नमस्कार, सुबह के 7 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आप न्यूज 100 में देखें। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां रोडवेज की बस में जिंदा जलकर 20 लोगों की मौत हो गई है। रोडवेज की बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर 20 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। यह हादसा बिथरी चैनपुर के बड़ा बाईपास पर रजौ के पास हुआ। जो बस हादसे की शिकार हुई है वो गोंडा डिपो की है। बस दिल्ली के आनंद विहार से गोंडा जा रही थी। 20 लोगों की मौत हो गई है। आमने सामने से बस की टक्कर हुई, जिसकी वजह से बस में आग लगी और झुलसकर 20 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस बस में आग लगी थी। आग लगने के बाद बस जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई और साथ ही 20 लोगों की मौत इस बड़े हादसे में हो गई है। बेहद दर्दनाक हादसा। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। यह हादसा बिथरी चैनपुर के बड़ा बाईपास पर रजौ के पास हुआ है। जो बस हादसे का शिकार हुई है वो गोंडा डिपो की है। बस दिल्ली के आनंद विहार से गोंडा जा रही थी, लेकिन यह हादसे का शिकार हो गई। बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई। टक्कर के बाद इस बस में आग लगी और जब तक लोग इस बस से बाहर निकल पाते, अपने आप को सुरक्षित कर पाते, तब तक बस में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 20 लोग इसकी चपेट में आकर मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है मृतकों की। आनंद विहार से ये बस चली थी और रास्ते में ये बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। बस में आग लग गई। तस्वीर आप बस की देख रहे हैं, पूरी तरीके से ये बस जल चुकी है। राहत और बचाव के लिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पहुँचे, लेकिन जब तक लोग पहुँचते तब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। आग में झुलसने की वजह से इन 20 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और बस की टक्कर हुई थी, भीषण आग लगी, 20 लोगों की मौत हो गई और आशंका यह भी है कि अभी कुछ और लोग जो घायल हुए हैं वो मरने वालों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत, उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। बेहद जख्मी हैं वो। फायर ब्रिगेड और पुलिस के बड़े अधिकारी जब यह हादसा हुआ तो मौके पर पहुंचे, लोगों को बचाने की भी कोशिश हुई, लेकिन 20 लोग इस हादसे में बचाए नहीं जा सके हैं। चैनपुर के बड़ा बाईपास पर रजौ के पास यह हादसा हुआ। गोंडा डिपो की बस थी। बस दिल्ली के आनंद विहार से गोंडा जा रही थी और रास्ते में बरेली में ये भीषण हादसा हुआ। 20 लोग जिंदा जल गए। अभी कुछ और लोग जो जख्मी हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि तमाम जो जख्मी लोग हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। ये बड़ा हादसा पेश आया जिसमें 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, देश और दुनिया की तमाम खबरें आप न्यूज 100 में देखिए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप में घुसने की आतंकियों की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। हमला सुंबल में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के कैंप पर किया गया, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम आतंकी हमले में शहीद ग्रेनेडियर मणिमनन का पार्थिव शरीर तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव पहुंचा, परिवार का रो रो का बुरा हाल। सेना प्रमुख बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा सेना में महिलाओं को मिलेगा कॉम्बैट रोल, मिलिट्री पुलिस से शुरुआत होगी। आतंकी फंडिंग के खिलाफ एनआईए की छापेमारी, जम्मू श्रीनगर गुरुग्राम में 7 ठिकानों पर रेड, पाकिस्तान यूएई और सऊदी अरब की करेंसी बरामद। क्रिकेट की आड़ में एक बार फिर पाकिस्तान ने डर्टी गेम खेला, बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान मैच से पहले कश्मीर को लेकर नारेबाजी, प्रदर्शन में आईएसआई एजेंट्स शामिल।
जम्मू कश्मीर के रियासी के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। करीब 50 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के बरेली में बस और ट्रक के बीच टक्कर, 20 लोगों की जलकर मौत। हादसे में बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज शाम 5:28 पर श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा GSLV मार्क 3 सैटेलाइट, इसरो का अब तक का सबसे वजनदार रॉकेट। GSLV मार्क 3 भारत में तैयार अब तक का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका कुल वजन 640 टन है। GSLV मार्क 3 बनाने में 15 साल का वक्त लगा है। यह रॉकेट 4 टन तक के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, 13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश से धलाई जिले में पहाड़ का एक हिस्सा मकान पर गिरा, 3 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति घायल। RSS बीजेपी को जवाब देने के लिए राहुल गांधी उपनिषद और भगवद गीता पढ़ रहे हैं, चेन्नई में पार्टी पदाधिकारियों के बीच बयान दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में TDP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन किया, राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। गंगा की सफाई पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान, कहा पूरी तरह से निर्मल करने में 10 साल का समय लगेगा। अब गंगा की सफाई पर होमगार्ड 24 घंटे नजर रखेंगे, गंगा किनारे बसे गांव में गश्त लगाएंगे होमगार्ड। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यूपी की कानून व्यवस्था के लिए समाजवादी पार्टी और BSP को जिम्मेदार ठहराया। BSP प्रमुख मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट अंबेडकर पार्क में अब दूसरे महापुरुषों की मूर्तियां भी लगेंगी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पार्क का जायजा लिया। आज है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। CM योगी अलीगढ़ का भी दौरा करेंगे। बीकानेर में सीढ़ी पर चढ़कर वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की फोन पर बात, मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से अफसरों से नहीं हो पा रही थी बात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, सप्त क्रांति एक्सप्रेस के 3 कोच में AC नहीं चलने से यात्रियों का गुस्सा फूटा। इटावा फल मंडी में आग लगने से 2 दर्जन दुकानें जलकर खाक, 3 घंटे में आग पर काबू, लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 4 महिलाओं से गैंगरेप के मामले में अब तक आरोपी पकड़ से दूर, 1 पीड़ित महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, लोगों ने बचाई जान। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, इलाहाबाद में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 48 डिग्री तक पहुंच गया पारा। उड़ीसा के संबलपुर में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, गोदाम के आसपास खड़ी गाड़ियां भी चपेट में आ गई, 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में कल रिकॉर्ड किया गया सीजन का सबसे गर्म दिन, 47 डिग्री रहा तापमान, जून से पहले हफ्ते में ही बढ़ी लोगों की परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट से 38 लाख कीमत का सोना जब्त, सोने के साथ 2 लोग भी पकड़े गए, दोनों बैंकॉक भागने की फिराक में। देश भर में किसानों के हितों के लिए आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया फैसला। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी, देश में कई जगह करेगी विरोध प्रदर्शन। कपिल मिश्रा आज केजरीवाल के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2 की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल के जनता दरबार में मिलकर गड़बड़ियों की जांच करने का मुद्दा उठाएंगे। मुंबई के 17 रेलवे स्टेशन पर कमांडो तैनात होंगे, दिन और रात को 2-2 कमांडो तैनात रहेंगे, भविष्य में इनकी संख्या बढ़ सकती है। NCP नेता अजीत पवार की मुश्किल बढ़ेगी, ED ने एंटी करप्शन ब्यूरो को चिट्ठी लिखकर दस्तावेज मंगाए। 1999 से 2000 के बीच सरकार में रहते हुए 352 वित्तीय गड़बड़ी के आरोप। महाराष्ट्र में किसान की हड़ताल का आज 6 दिन, नासिक में हुई बैठक में आंदोलन को और व्यापक बनाने का फैसला लिया गया। उस्मानाबाद में किसानों की हड़ताल का युवा सेना ने समर्थन किया, 1 घंटे तक रास्ता रोको आंदोलन किया। नागपुर में एक डेयरी प्लांट का नितिन गडकरी, राधा मोहन और CM फडणवीस ने उद्घाटन किया, कई सालों से प्लांट बंद पड़ा था, इस पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महाराष्ट्र के ठाणे में तालाबों को बचाने के लिए चेन फॉर चेंज नाम का अभियान, 2000 लोग हुए शामिल। बिहार के बेतिया में चावल कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 4 लाख रुपए लूटकर भागे बदमाश। बिहार के छपरा में 7 साल के बच्चे से दुष्कर्म, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप, केस दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी। बिहार के छपरा में 15 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से तस्करी करके यूपी बिहार समेत कई राज्यों में पहुंचाता था। मोस्ट वांटेड फरमुल्लाह बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार, फेक करेंसी मामले में NIA को तलाश थी, नेपाल के रहने वाले फरमुल्लाह पर ISI एजेंट होने का भी आरोप।
बिहार के मोतिहारी में गांव वालों ने एक व्यक्ति को बंधक बनाया। डेढ़ महीने से लापता एक व्यक्ति को बेचने का आरोप। बिहार के नालंदा में अवैध संबंधों का विरोध करना पति को महंगा पड़ा। बहनोई के साथ मिलकर महिला ने पीट पीट कर मार डाला। छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के मुंगेर में महिला से गैंगरेप का आरोप। पीड़ित की मां को दबंगों ने बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। केस दर्ज। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। बिहार के नवादा में पुलिस वालों पर जब्त शराब को बेचने का आरोप। शराब के पैसे नहीं मिलने पर एसएचओ ने दो युवकों को बेरहमी से पीटा। पूर्णिया में एक व्यक्ति सरकारी अस्पताल से अपनी पत्नी का शव बाइक से घर ले गया। अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से इनकार किया। बिहार के बाढ़ में ट्रेन से यात्रा कर रहे दो गुटों के बीच झड़प। लात घूंसे मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के खूंटी में बेकाबू बस पेड़ से टकराई। हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग समेत चार की मौत। 30 घायल। ड्राइवर मौके से फरार। आज से जयपुर में लगेगी बीजेपी सांसदों और विधायकों की क्लास। सीएम वसुंधरा राजे के साथ परिणामी, खन्ना और सतीश लेंगे फीडबैक। 3 साल की परफॉर्मेंस पर होगी चर्चा। स्मार्ट सिटी की सफाई को लेकर राजस्थान सरकार की पहल। सीएम वसुंधरा राजे मुफ्त डस्टबिन बांटने के अभियान की शुरुआत करेंगी। सूखे और गीले कचरों के लिए बांटे जाने हैं डस्टबिन। भवरी देवी हत्याकांड में इंदिरा बिश्नोई से पूछताछ। लीला मदेरणा का नाम भी सामने आया। सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर भी जोधपुर पहुंचे। राजस्थान के पाली में हाईटेंशन वायर गिरने से हादसा, दो युवकों की मौत। वहीं बूंदी में दो नाबालिग नदी में डूबे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते मुखी गिरफ्तार। पुलिस ने 1,08,000 रुपए नकद बरामद किए। भोपाल के मिसरोद में 4 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन बेकाबू हो गया है। किसानों ने हाईवे जाम किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में किसानों के हड़ताल की वजह से सब्जी और दूध की किल्लत। विरोध में किसानों ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। हरियाणा के यमुनानगर में 18 साल की लड़की से गैंगरेप। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। लड़की को अकेला पाकर दूसरे बदमाशों ने भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। हरियाणा के कैथल में बदमाशों की दबंगई। पुलिस चौकी के पास की एक युवक की सरेआम पिटाई की। बीच बचाव करने आए हेड कांस्टेबल को भी पीटा। हरियाणा के पानीपत में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत। 4 लोग बुरी तरह से झुलसे। पंजाब में विपक्ष के नेता एचएस फुल्का ने मानसा में खुदकुशी कर चुके किसानों के परिवारों से मुलाकात की। कहा किसानों के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी। गुरदासपुर में एक्साइज विभाग की टीम पर हमला। एक सिपाही की वर्दी फाड़ी। महिला इंस्पेक्टर ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में स्कूल टीचर्स पर बच्चों से अश्लील हरकत करने का आरोप। पेरेंट्स के प्रदर्शन के बाद तीनों टीचर्स सस्पेंड। पंजाब के लुधियाना में पेरेंट्स का स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन। बच्चों के साथ छेड़छाड़ के आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लुधियाना के फिल्लौर में आवारा कुत्तों पर शिकंजा कसा गया है। इनका आतंक मचा हुआ है। 8 बच्चों को जख्मी कर चुके हैं कुत्ते। यूपी के मिर्जापुर में नाली में मिला राजीव गांधी की प्रतिमा का सिर। पार्क में लगी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ा था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। पुलिस ने 2 बंदूक और गोला बारूद जब्त किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गांजे की बड़ी खेप बरामद। लावारिस कार से 1 टन 20 किलो गांजा जब्त। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। उत्तराखंड के खटीमा में हथियार लहराना दो युवकों को महंगा पड़ा। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप। परिवार ने समझदारी दिखाते हुए कमरे को बंद किया। वहां से वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया इसे। कर्नाटक में कोस्ट गार्ड ने डूबते जहाज से 23 लोगों को बचा लिया। जहाज मैंगलोर में उल्लास तट के करीब डूब रहा था। गंगा दशहरे पर जयपुर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। लोगों ने पूजा अर्चना की। गंगा दशहरे के मौके पर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम। ऋषिकेश में लोगों ने घाटों की सफाई करके जागरूकता अभियान चलाया। गंगा दशहरा के मौके पर बागपत में यमुना में पानी नहीं होने से श्रद्धालु परेशान रहे। नहीं लगा पाए डुबकी। नलों में नहाने की उन्हें जरूरत पड़ी और मजबूरी में नलों से नहाकर ही उन्होंने पूजा पाठ की। गुजरात के वडोदरा में विजेता क्रिकेट टीम को ट्रॉफी की जगह इनाम में दी गई गाय। गाय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल। उत्तराखंड में नैनी झील को बचाने के लिए मार्च निकाला गया। लोगों की झील में गंदगी नहीं फेंकने की अपील।
अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में आज लॉन्च होगा एनएससी का इंटरनेशनल एक्सचेंज, 23 घंटे काम होगा। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को तैयार नहीं बैंक, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने संसदीय पैनल को दी जानकारी, कहा सिस्टम में बदलाव के लिए चाहिए और समय। सब्सिडी लीकेज रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, केरोसिन सब्सिडी के लिए आधार जरूरी होगा, अटल पेंशन स्कीम के लिए आधार जरूरी। ईसीएस ने घटाई H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन की संख्या, 2015 के मुकाबले सिर्फ 1/3 आवेदन, यूएस ने TCS पर लॉटरी प्रणाली के गलत इस्तेमाल का लगाया था आरोप। उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को दिया ₹75,000 मुआवजे का आदेश, किसी ने यात्री के रिजर्व सीट पर किया था कब्जा। बैडमिंटन स्टार साई परनीत ने जीता थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट, मेन सिंगल के फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ी क्रिस्टी को हरा दिया। इटली के ट्यूरिन में चैंपियंस लीग के फाइनल के दौरान मची भगदड़, ब्लास्ट की गलतफहमी से भगदड़, 400 लोग घायल हो गए। श्रीलंका के उपुलधरंगा पर 2 मैचों का लगा बैन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर रेट की वजह से बैन लगा। भारत और जर्मनी के बीच खेला गया हॉकी मैच 2-2 से ड्रॉ पर खत्म, 2-1 से आगे होने के बावजूद भारतीय टीम नहीं जीत सकी। लंदन में शनिवार रात हुए आतंकी हमले के बाद 12 संदिग्ध गिरफ्तार, सभी से पूछताछ जारी, हमले में 7 लोगों की मौत, 48 घायल। आतंकी हमले पर ब्रिटेन के पीएम थेरेसा मे ने कहा, पिछले हमले आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अब ये कहने का वक्त आ गया है कि बस बहुत हो गया। लंदन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, आम लोगों की आवाजाही के लिए लंदन ब्रिज बंद किया गया है। आतंकी हमले के बाद लंदन ब्रिज पर मची अफरा तफरी का वीडियो सामने आया, पुलिस वहां मौजूद लोगों से जमीन पर लेटने को कहती नजर आ रही है। स्पेन में चैंपियंस लीग का खिताब जीतने वाली टीम के प्रोग्राम में लंदन हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, 1 मिनट का मौन रखा गया। जर्मनी में चल रहे कार्निवल ऑफ कल्चर्स पर लंदन आतंकी हमले का असर नहीं दिखा, बारिश के बावजूद भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। चीन के थियानमन चौक गोलीकांड की बरसी के मौके पर हांगकांग में कैंडल मार्च, जून 1989 में लोकतंत्र की मांग कर रहे सैकड़ों युवाओं पर गोली चलाई गई थी। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में भारी बारिश के चलते 90,000 घरों की बिजली कटी, लैंडस्लाइड की वजह से मरम्मत के काम में भी भारी रुकावट आ रही है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए सिगिंस कार्गो एयरक्राफ्ट रवाना, एयरक्राफ्ट में 6,000 पाउंड का सामान भेजा गया। जापान के चीबा में एयर रेस चैंपियनशिप का आयोजन, योशिहिदे मुरोया नंबर 1 रहे, देखने के लिए हजारों लोग जुटे।